मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच। सबसे बड़ी सोचे बातें बड़ी बड़ी, ये दिमाग की नंबर वन पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी पर अकल हो गई चोरी, है इसका वजन आधा पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। ओ मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन, इनकी हरकतों से मेरा पड़ जाता है टेंशन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच। हम पार भी आ बैट, हम पार न्यू बैट, हम पार पूरे ट्रैक, हम पाँच। ये है चपलम, चपलम, चपलम आई रे दुनिया का चोर तेरी गली आई रे आई रे आई रे। चपलम, चपलम, ये चप्पल तो नहीं है, जूते से काम चलेगा। तो क्यों आते हैं, नहीं तो क्या क्या बात है राधिका, दोनों मियां बीवी साथ में आए हो। तेरा हस्बैंड तेरी माँ के घर में तुझे पटकने आया क्या? इसीलिए नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं नहीं इसका। हम लोग इन्हीं के काम से आए। अच्छा? ए आना पापे बैठ। आप पापे बैठ। अबे कितना वैसे भी आप उन लोगों को किसी का काम बजाने का है। बोल क्या है? मुझे मैंने ना एक रिसर्च की है और ना एक बेल्ट तैयार किया है। अइला गुरु भैया, आप तो कहती थी कि आपका जीजा साइंटिस्ट है, ये तो मोची निकला। मैं इसीलिए नहीं आता हूँ यहाँ पे। अरे चुप ना मैं। अरे इन्होंने एक ऐसे बेल्ट जैसा गैजेट बनाया है जिसे पहनकर आदमी 8 मिनट में चांद पर पहुँच सकता है। क्या बात कर रही है, क्या सबूत है? और सबूत वास्ते ही आए ने हम यहाँ यार। मतलब हमने ना चूहे और बंदरों पे तो एक्सपेरिमेंट कर लेता, तो वो चूहे और बंदर चांद पहुंचे कि चांदी वाली मालूम ही नहीं चल रहा, क्योंकि वापस आने वास्ते भी ना बेल्ट का ही बटन दबाना पड़ता है यार। हाँ, इसीलिए एक ऐसे आदमी की तलाश है जो ये बेल्ट पहनकर चांद पर जाए और हमें वापस आके हकीकत बताए। मिल गया। कौन? अरे पुरुष। हाँ हाँ, पता है मैंने ना आपको गॉड के सामने प्रेयर करते सुना था कि गॉड गॉड नेक्स्ट जन्म में मुझे गधा बनाना, लेकिन मीनाक्षी का पति कभी नहीं बनाना। तो तुम्हें उसे बोलना चाहिए था ना कि गधे गधे का जन्म सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। देखा गुरु मैया, लोग अपना संसार बसाने के लिए गधे से भी शादी करते हैं और आप हो उनके पास शाहरुख जी के पीछे पड़ी हो। वैसे एक बात बताओ गुरु मैया। पूछ। आप कभी चांद पर गई हो? नहीं। क्यों? वो क्या ना बबली, मुझे रात को ट्रैवल करना बिल्कुल ना पसंद है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार चांद की ट्रिप करके आते हैं ना, यहाँ तो बोर हो गए हैं, चलते हैं ना। मैं तेरे साथ एक बार चांद पे जाने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है। क्या? कि मेरा रहना खाना पीना और शॉपिंग का बिल तू भरेगी। क्या करूँ भैया, ये भी कोई बात हुई? मैं तो आपका शॉपिंग का खर्चा भी करूँगी, आपकी शॉपिंग के बैग भी उठाऊंगी। डफर, चांद पे सिर्फ पहाड़ और रेगिस्तान है। ए तू डफर, अरे ये तो 20-25 साल पुरानी बात है, जब 20-25 साल में चेंबूर डेवलप हो सकता है तो चांद क्यों नहीं। ये सब छोड़ो, आइडिया अच्छा है। ए पापे, भेज देना इन दोनों को। पक्का? हाँ हाँ। तो ठीक है जी, परसों तैयार रहना, मैं तब तक चांद पे जाने की तैयारी करता हूँ। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। मैंने 12 जोड़ी कपड़े, 6 जोड़ी नाइट सूट, 3 जोड़ी नॉर्मल शूज और 3 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज ले लिए, बस है ना? 12 जोड़ी कुछ कम नहीं होंगे गुरु मैया? 1-2 महीने रहने का प्लान बन गया तो? देख बबली, एक हफ्ते के बाद हमें कोई धोबी तो मिल ही जाएगा ना, और ऊपर लॉन्ड्री सिस्टम तो होगा ही ना। अगर लॉन्ड्री नहीं भी हुई ना, तो तुम्हारे दलजी जीजा को बोल के ऊपर एक काम वाली मंगवा लेंगे। ये काम वाली बाइया चांद पे जाएंगी और चांद पर ही रह जाएंगी। वैसे भी अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर इन लोग इलीगल इमिग्रेंट बन जाते हैं, हमें चांद को बचाना पड़ेगा। हाँ गुरु मैया।
नहीं तो एक काम करते हैं ना, हमारे मैले कपड़े ऊपर से तुम्हारी छत पर फेंक देंगे। मीनाक्षी वैसे भी कुछ काम करती नहीं है, बोलेंगे उसको कि ये कपड़े अच्छे से धुलवा के इस्त्री करके ऊपर कुरियर करवा दे। पबली मेरी चेली मेरी चमची, तू बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ गुरुमैया, आपके संगत का असर है। गुरुमैया तो लाइफ टाइम इनकमिंग वाले मोबाइल भी ले लेते हैं। अब मैं अमित जी को कहूंगी हर 10 मिनट के बाद मुझे फोन करना। पता है बबली, मैं तो वो ही मोबाइल लूंगी जो शाहरुख जी बेचते हैं। ओके, मैं कजोल और अजय देवगन जो बेचते हैं ना वो वाला मोबाइल लूंगी। सुन बबली, तूने सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टर्स हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, पर तूने कभी ये नहीं सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों मोबाइल के सेल्स पर्सन हो। गुरुमैया पैकिंग तो हो गई, कपड़े कॉस्मेटिक्स एवरीथिंग। हाँ बस मैंने टूथब्रश और शैम्पू नहीं लिया है। क्यों क्यों क्यों? गुरुमैया मेरे बैग का वजन इतना बढ़ गया, मैंने सोचा टूथब्रश तो मैं आपका यूज कर लूंगी। मेरी भी बैग बहुत हैवी हो गई है, इसलिए मैंने कंघी नहीं ली। चल ठीक है, तू मेरा टूथब्रश यूज करना, मैं तेरी कंघी यूज करूंगी। हाँ ऐसे फालतू चीजों के लिए क्यों अपने बैग का वजन बढ़ाने का ना। ऐसे बीच में बैग क्यों फैलाए रखे हैं? My God, हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, ओके? पैकिंग? हाँ, हम चांद पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? चांद पे, मून यात्रा, मून। मून यात्रा तो ऐसे बोल रही है जैसे मुनमुन सेन के घर जाने का प्रोग्राम बनाया हो। ए, देखा, सुना तुमने? क्या बक रही है, क्या बेवकूफी कर रही है, सुना? एक बात बताओ। हाँ। कमाल अमरोही को जानते हो? हाँ जानता हूँ, वही ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाई, वही ना। क्या वो पागल थे? नहीं नहीं, वो तो जीनियस थे। पागल की क्या बात कर रही है? जब जीनियस की पिक्चर में राजकुमार मीना कुमारी को चांद के पार जाने की बात कर सकता है, तो मेरे बच्चे चांद पर जाने की बातें क्यों नहीं कर सकते? चांद तेरे को क्या चिंसपोकली लगता है जो हर बार ट्रेन में बैठे और कहे चिंसपोकली? अरे चांद कितना दूर है। मिस्टर आनंद माथुर, चांद अमिताभ बच्चन के बंगले से भी नजदीक है। चांद अमिताभ बच्चन का बंगला? कैसे कैसे? जाओ ऊपर जाओ छत पे। आपको अमिताभ बच्चन का बंगला दिखता है? नहीं दिखता ना, आपको चांद दिखेगा। तो जब मैं तो चांद पर भी रिक्शा करके जाने वाले होंगे तुम लोग। मिस्टर आनंद माथुर, हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब प्रोग्राम जानने के लिए मिलिए या लिखिए मीनाक्षी, राधिका, काजल या मोटी को। अच्छा तो इन उल्लुओं के चांद गमन के पीछे उस चांडाल चौकड़ी का भी हाथ है। अरे सिन्हा साहब आप क्यों चिंता करते हैं, अरे जनता जनार्दन की सेवा के लिए तो हाजिर है ना हम यहाँ पर। आप एक काम कीजिए, आप मटका पैक करके हमें भेज दीजिए। ओके थैंक यू। कौन था? कोई महेश सिन्हा नाम का करोड़पति आदमी था। क्या बोला उसने पता है? कि मेरी माँ की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए मैं नासिक जाने वाला हूँ, तो मैंने बस इतना कह दिया 1,00,000 रुपया दे के चांद पे विसर्जन करवा दीजिए, वहाँ से स्वर्ग और पास में। माँ की आत्मा को कम ट्रैवल करना पड़ेगा। मान गया। हमारे लोग भी बेवकूफ होते हैं। पहले जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करेंगे और उनके मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेंगे। अरे ये बात तो तुम लोगों को सोचनी चाहिए। एक दिन ऐसा नहीं जाता
कि जिस दिन तुम लोग अपने माँ बाप के आगे नई मुसीबत ना खड़े करते हो। देखो तुम मुझे अपने साथ मत जोड़ो, मेरे बच्चे मेरे लिए कभी मुसीबत नहीं बनते। ए तू मुझे, अरे बापू क्या है ये चांद यात्रा क्या चक्कर है? डैड अगर ये चक्कर कामयाब हो गया ना तो हम अंबानी से भी बड़े लोग होंगे। बोलो। अरे अंबानी से बड़े क्या, बिल गेट्स अपने गेट के बाहर खड़े रहे। हाँ बापू, बस एक बार वो येड़ी की जोड़ी चांद पर जाकर नीचे आ जाए उसके बाद का पूरा गेम प्लान तैयार है। चलो चलो मीनाक्षी राधिका, तुम लोग चांद पर हनीमून टूर और वेकेशन पैकेज का काम शुरू करो। हाँ, 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 हाँ। और मैं पुरुष को बोलती हूँ कि वहाँ जाके शूटिंग करने का बिजनेस शुरू करें। हाँ। इससे अच्छा एक काम करो, इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम लेकर चांद पर वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रोग्राम बना। क्या बात है, क्या कमाल का सोचते आप कसम से। बापू एक सुनो यार, एक काम करते हैं, चांद पर चंदा मामा टूर्नामेंट शुरू कर डालते हैं। इन्हें पूछ। अरे सब तो तब होगा जब वो अकल की दुश्मन चांद पर पहुंचेगी। कब पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी चांद पर? अरे डैड आपको मालूम है, गुड़िया के पापा ने एक गैजेट ढूंढ निकाली है, उसे पहनकर एक बटन दबाओ तो 8 मिनट में चांद पर और दूसरा बटन दबाओ तो 16 मिनट में वापस जमीन पर। हो गया कल्याण, पागलों की भारत में दीवाना दूल्हा। अरे उस उल्टी खोपड़ी के आइटम के भलते रिसर्च पर तुम लोग एक्सपेरिमेंट मत करो। अरे इंसान ने ये फैक्स हो गया, इधर बटन दबाया उधर मैटर मिल गया, इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? नथिंग इज इम्पॉसिबल डैड। अरे एक जमाने में पोस्ट ऑफिस के बाहर ट्रंक कॉल लगाने के लिए जो लाइन लगती थी, उस वक्त माँ कभी ये सोचा था कि मोबाइल फोन के एक बटन दबाने से अमेरिका बात हो सकती है? लेकिन अरे बाबा ये साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम चांद की बात करते हो, थोड़े साल रुक जाओ, लोग वीकेंड के लिए जुपिटर पर जाएंगे। हाँ और फिर हीरो ये गाना गाएगा, ए आती है क्या मंगल के जंगल में, और हीरोइन पूछेगी क्या करूँ मैं मंगल के जंगल में, लव का जंगल और प्यार का टिंगल करेंगे और क्या। अरे लेकिन इन दो पागलों को चांद पर भेज रहे हो, अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो हैंडल कैसे करेंगे वो? बापू इन दो पागलों को चांद पर भेजने का ही तो अपन लोगों का गेम प्लान है। अरे वो दोनों इतने भयानक है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोग रिटर्न विद थैंक्स करके भेज देंगे। अरे लेकिन उनका आसमान में खो जाने का, अरे उनको कुछ हो जाने का डर है ना। अरे बाबा जब जब जो जो होना तब तब सो सो होता है। बोलो लेकिन बोलो क्या, हिस्ट्री में नाम लिखवाना है तो कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। कोलंबस अगर हिंदुस्तान ढूंढने नहीं निकलता तो उसे अमेरिका कहाँ मिलता? हाँ चलो चलो बच्चे, तुम लोग के खाने का टाइम हो गया, मैं तुम लोग का खाना लगाती हूँ। इस पर मैं क्या बोलूँ? कल से खाना खाने के बाद तुम 1 घंटा वॉक में जाया करना। क्यों? क्यों क्या, हरे हरे पत्तों को देखकर बहक गई बकरी की तरह पहले ठूस ठूस के खाते हो, फिर गैस हो जाती है तो सिलेंडर की तरह कभी इधर कभी उधर लुढ़कते रहते हो। कल से गैस हो गई ना तो गैस रूम में जाकर सोना। गैस नहीं हुई तो क्या हुआ? टेंशन हो गई है। किसकी टेंशन? ये तुम्हारी बेटी चांद पर जा रही है उसकी। अरे बेटिया तो होती पराई अमानत है, एक ना एक दिन तो उन्हें घर छोड़कर जाना ही होता है। अरे लेकिन घर छोड़कर ससुराल जाती है बेटियाँ, चांद पर नहीं। हो सकते उसे चांद पर कोई लड़का मिल जाए। सोचो हमारी चांद सी बेटी को चांद से कोई दूल्हा ब्याहने आ जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। कार्टून चैनल के फेरी टेल से भी ज्यादा फालतू सोच है इसकी, मेरे समझ में नहीं आता मैं इसकी क्या करूँ। अरे अगर स्वीटी की शादी चांद पर होगी और बुढ़ापे में हमें डॉक्टर ने बोला कि हवा पानी चेंज करने के लिए कहीं तुम लोग बाहर जाओ तो मैं तुम्हें कहूँगी चलो चांद पर चलते हैं और तुम कहोगे नहीं नहीं चांद पर स्वीटी रहती है और बेटी के घर का मैं पानी नहीं पी सकता तो उसके घर में कैसे रह सकता हूँ। और मैं तुम्हें कहूँगी लोग चांद पर पहुँच गए और अभी तक तुम चाचा चौधरी के जमाने की बात कर रहे हो। सो गई, कौन कहता है दुनिया में कोई सुखी नहीं है? दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी होगा यही है, यही है। और अगर ज्यादा दुखी कौन होगा तो मैं हूं, मैं हूं। आवाज कहां से आई? अरे आनंद माथुर, ओरे ओरे आनंद माथुर जरा बाहर आओ। लगता है फिर से कोई नया नाटक चालू किया इन लोगों ने, देखते लूं क्या मस्ती सूझी है इन्हें। कहाँ जा रहे हो? जालियांवाला बाग। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े और मेरे लिए कुछ खाने को ले आना।
इसका कुछ नहीं हो सकता। नो, अरे कौन है? कौन है? जानू, आवाज बाहर से आ रही है, लेकिन लेकिन फौरन दरवाजा मत खोलना। हाँ क्यों? क्यों क्या? अपने बच्चों का सताया हुआ कोई आदमी बाहर अपना हिसाब चुकता करने आया होगा, फुकट में तुम्हें धो डालेगा, इसलिए। इधर इधर खिड़की पे आओ। कौन बोल रहा है रे? मैं हूँ, मैं चांद। कौन चांद? चांद मिश्रा, चांद खान पठान, आसमान का चांद। इधर ऊपर देखो, खिड़की खोला ना मधुर। क्या बात कर रहे हैं? आसमान के चांद मेरे से बात कर रहे हैं? कमाल हो गया। क्या करें, मजबूरी का नाम आनंद माथुर। सॉरी हाँ, इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। मैं सो नहीं रहा था, मैं तो चिंता में ही जाग रहा था। अरे तुम्हें क्या की चिंता? तुम्हारी सारी चिंताएं तो मेरे घर आ रही हैं। मतलब? मतलब क्या? अरे जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी स्वीटी और बबली दोनों मुझ पर आ रही हैं, मेरी तो हवाई गुल हो गई है। चांद बम्बईया लैंग्वेज बोलता है, हवा गुल हो गई। वो राहु और केतु हमेशा मुझ पे ग्रहण लगाने पर तुले रहते हैं। अब तुम वो नए राहु और केतु पृथ्वी पर से मेरे पास पार्सल मत करो। आनंद माथुर, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा, पर तुम वो नए दो राहु और केतु को यहाँ पर आने से रोको। वो दोनों उल्लू अगर ऊपर आ गए तो मेरी यार तो लाइफ की वाट लग जाएगी। प्लीज आनंद माथुर, उन दोनों को ऊपर आने से रोको। नहीं, प्लीज प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर चांद भाई, मैं तो कोशिश में लगा हूँ ना। कोशिश? कोशिश कामयाब होनी चाहिए। आनंद माथुर, कह देता हूँ, अगर उन दोनों ने ऊपर आकर मेरी लाइफ खराब की तो मैं तुम्हारी कुंडली खराब कर दूंगा। ए सुनो, सुनो, ए सुनो, सुनो। चांद बात करता है? बोलो। अब तक बुतनी बात कर रही थी, अभी चांद भी बात करने लगा। इन दोनों को वापस भेजो। मना किया था ना मैंने जानू, कि बच्चों को मत बताना। चलो चलो बच्चों, काम पर लग जाओ, इनकी बचकानी बातों पर हंसने का वक्त नहीं है। हाँ जी, मैं अपने एक्सपेरिमेंट को फ्लॉप देखने वास्ते बेताब हाँ। अरे फ्लॉप नहीं, कामयाब। सीटी बबली, तुम्हारी बेल्ट हाथ लाओ। तुम्हारी बेल्ट, दो बटन दिख रहे हैं, लाल और हरा। अगर हरा बटन दबाओगे 8 मिनट के अंदर चांद के ऊपर, लाल बटन दबाओगे तो वापस नीचे। याद रहेगा? नहीं, नहीं भेजना इनको चांद पे। चुप है, ठीक से सीख लो, लोचा मत करना, वरना आसमान में बीच में लटकते रहोगे दोनों। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 1 साल लगा इस बेल्ट को बनाने में, मेरी मेहनत बर्बाद ना करना। तू बीच में आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव फोटोज का मुझे एक ही नाटक में मिलेगा और बीच में आ रहे हैं। मेरी बात मान लो, समझे ना? तुम लोग आगरा जाओ, पुणा जाओ, थाने में पागल खाने जाके 2-3 दिन रह के भी आओ, लेकिन जान पर जाने का पंगा मत लो, प्लीज मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारी बात गई बाढ़ में, जाते ना बच्चों को नाना करके पलों भी मत लगाओ, समझे ना? बच्चों चलो चलो, तुम जाने की तैयारी करो, सीधा चांद पर जाना। कहीं खतरा लगे तो जो लाल बटन है ना हाथ में, उसको दबा देना। रास्ते में कहीं कुछ खाना पीना मत, अपना ध्यान रखना। चलो जाओ, फतेह करो। सीटी द बबली रेडी? रेडी। गुड राधिका, मैं तेरे को सिग्नल देगा और मेरा सिग्नल मिलते ही तू सीटी और बबली को बटन दबाने का इशारा कर देगा। ओके ओके, तो सारे मिशन की कामयाबी वास्ते अपने अपने शैतान को याद कर लो। शैतान? इनका मतलब भगवान को याद कर लो। चन्ने के जी चकते फटे, काउंटडाउन होने जा रहा है शुरू। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इशारा। स्वीटी, बबली, हरा बटन दबाओ। दबाओ, दबाओ, दबाओ। अबे चुप, इतना दबाए के दबा दबा के ये टूट जाएगा।
यार इसकी जात का हर वक्त की तरह इस बार भी इस पापे ने लोचा मारा लगता है। कुछ नहीं होने वाला है। फ्लॉप हो गया, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया। दुनिया का साइंटिस्ट नंबर वन। मेरी बेटी चांदी इतिहास बना डाला उसने। अरे उसने इतिहास बना डाला या खुद इतिहास बन गई वो वापस आने पर ही पता चलेगा। अरे अरे तुम लोग वापस कैसे आ गए? इस पापे की वजह से, भूलने की बीमारी की वजह से। मतलब ये क्या भूल गए? अरे क्या भूल गए, क्या भूल गए? आधे रास्ते में हमको याद आया कि आज तो अमावस है, आसमान में चांद होगा ही नहीं ना। और अरे डफर लोग, अमावस के दिन चांद दिखता नहीं लेकिन होता है आसमान में। हेलो बबली, हम लोग ने फिर लोचा मारा। कोई बात नहीं गुरु मैया, हम वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे और नहीं जा सकते। क्यों? एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस बेल्ट को, दोबारा बनाने में फिर एक साल लगेगा मेरे को। तो फिर वापस तुम जब बेल्ट बनाओगे ना, तो ऐसा बेल्ट बनाना कि हम सीधे सूरज पर चले जाए। अरे बेवकूफ, सूरज पर नहीं जा सकते, वहाँ बहुत धूप होती है। ठीक है, तो हम लोग दिन को नहीं जाएंगे, हम लोग रात को जाएंगे। मैंने प्रोड्यूस किया है ये मेरा है प्रोडक्शन, अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पांच। हम फाइव बी अ बैट, हम फाइव।